लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो लोग गरीब और ज़रूरतमंद है और ऐसे लोग हैं जिन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाकर रोज़ खाना होता है, ऐसे लोगों की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए कई सेवाकीय संस्थाएँ और सेवाकीय लोग सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के 11वें दिन आज वडोदरा शहर में सम्मति सोसाइटी के रहिशों के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों में अनाज की किट का वितरण किया गया। आज यह कार्यवाही शहर के कमाटी बाग के पिछले हिस्से में कामनाथ महादेव के मंदिर के पास जो स्लम इलाका है वहां पर अनाज की किट का वितरण किया गया। आपको बता दें कि सम्मति सोसाइटी के स्थानीय लोगों के द्वारा करीब 500 से ज़्यादा किटों का वितरण आज किया गया। लगातार 5 दिनों से सम्मति सोसाइटी के स्थानीय लोगों के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बड़ोड़ा में सन्मति पार्क सोसाइटी है, यहाँ के सभी मेंबरों ने मिलकर अपना अपना योगदान दिया। और जैसा कि श्रीमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि लॉकडाउन की इस स्थिति में अपने आसपास जो भी लोग ज़रूरतमंद हों उनके लिए हर व्यक्ति आगे आए, तो हमारी सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर ये प्रयास किया और आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। और साथ ही मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि जो प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग के, उनको अच्छे से पालन करें। और प्रत्येक नागरिक से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद जरूर करें। अब कितने दिन से ये कार्य कर रहे हैं और आपने कितने किटों का वितरण किया? अभी हमने लगभग ये 500 किलो जैसा राशन इकट्ठा करके लगभग 60-70 किट के आसपास बनाई है और अभी भी हम आगे और फंड इकट्ठा करके इस काम को आगे चालू रखेंगे। और पिछले एक हफ्ते से हम पूरी भी सप्लाई कर, हाँ, उसके पहले हम लोग एक संस्था के माध्यम से रेडी फूड सप्लाई कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि जो किट बना के जो दूर के इलाके हैं जहाँ रेडी फूड नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर इस तरह की किट सप्लाई करें तो लोगों को 8-10 दिन का राशन पानी उनको मिल सके। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सचिन जी।